जरीपटका के आहूजा नगर हुड़को कॉलोनी निवासी पलाश राजू पाटिल के घर पर रविवार की रात करीब 11:30 बजे कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी है। इस फायरिंग में पलाश का छोटा भाई प्रीतेश पाटिल जख्मी हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि वाहन को हटाने की बात पर पलाश का मिसाल लेआउट में कुछ युवकों से रविवार की रात विवाद हुआ था। इसके बाद वे युवक पलाश का पीछा करते हुए बाइक से उसके घर तक पहुंच गए और पलाश की कार खड़ी कर अंदर जा रहा था, तभी उन युवकों ने उसे गालियां देना शुरू किया। शोरगुल सुनकर पलाश का भाई प्रीतेश मकान की पहले मंजिल से नीचे आया तो हमलावरों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। घटना में वह जख्मी हो गया और हमलावरों की संख्या 10 से अधिक बताई गई है। हमलावर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। 12 लोग आले पीऊन खाऊन होते पूरे और गाड़िया थोड़ा सा मंदात उभ्या होत्या और तो ये कही की पलाश पलाश करून जो चिल्लावत आले ना ते कल तलवारे फरच्या बंदूक असं या गाड्यावर मारला। मी गेटच्या अंदर होतो, पोराले बाहेर नाही निघू दिलो म्हणून पोरग वाचला, नाही तर पोरग मेला होता ना। आता आम्हाला अशी धास्ती येऊन राहिली की रातबिरात आम्हाला नको ना मारे असं वाटून राहिलं। विशेषच्या हद्दीमध्ये हुडको कॉलनी या परिसरात फिर्यादी रात्री 9:15 दरम्यान त्याच्या घरी जात असताना रस्त्यावरती गाडी लावली होती आरोपींनी आणि फिर्यादीने त्याला सांगितलं की गाड्या रस्त्या बाहेर रोडच्या साईडला काढा, आम्हाला जाऊ द्या। या कारणावरून त्यांची त्या ठिकाणी भांडण झाले। भांडण झाल्यानंतर फिर्यादी ज्यावेळी घरी गेला त्यावेळी आरोपी आणि त्याच्यासोबत इतर त्याचे साथीदार असे मिळून फिर्यादीच्या घरी गेले आणि फिर्यादीच्या घरी जाऊन त्यांनी त्याला शिवीगाळ करून तिथे मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला।